तो हेलो गाइस, और स्वागत है आप सबका एक नई गेम पोकेमोन सेवरिजन ऑफ द स्काई, या पोकेमोन शॉर्ट्स कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है। तो गाइस, ये एक बहुत ही मतलब छक्कास गेम है। तो मेन इंट्रो वगैरह जल्दी जल्दी फिल करते हैं और देखते हैं कि इसकी स्टोरी लाइनिंग कैसी है। ओके गाइस, तो मैं पर कितने मतलब तीन स्टेज मतलब स्टार्टर हमें अक्सर ऐसे मिलता है कि अलग अलग टाइप का, लेकिन यहाँ एक ही टाइप का। अच्छा, मुझे लगा है स्टार्टर्स हैं, बेइज्जती हो गई। नहीं नहीं बिस्तरी कोई बात नहीं है। इजी, मीडियम, हार्ड। तो गाइस फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ मैं, इजी मोड पे खेलूँगा। वी विल ओनली टेल यू अवर स्टोरी, यू विल गेट हेल्प थ्रू आउट योर एडवेंचर एंड योर एनिमी शुड नॉट बी टू चैलेंजिंग। आर यू श्योर? तो गाइज मैं सोच रहा हूँ मीडियम खेलते हैं, प्रॉब्लम लिटल हार्डर देन योर एवरेज एडवेंचर, बट वी वॉन्ट ट्राई टू पुट अ स्पोक इन योर होल। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू प्ले इंस्टेड? और यू वॉन्ट अ चैलेंज? अ चैलेंज यू विल गेट। हेयर इज नो हेल्प एंड वी विल ट्राई टू स्ट्रेस योर लिमिट्स एज बेस्ट एज यू कैन। आर यू श्योर? नहीं गाइज, मैं तो पहली दफ़ा खेल रहा हूँ, ईजी मोड पर खेलेंगे। ओके। When the dust of the first greater, the war of Amitek was laid down by those guard of the world, make sure that balance does not shift in doing so. Okay, ये तो कोई मुझे लग रहा है बेसिक इंट्रो वगैरह, इतना कौन पड़ेगा। ओके, तो एक क्लास से हमारी मतलब गेम स्टार्ट होती है। तो स्टोरीज जो कहानियाँ मैं बता रही हूँ वो ऑफकोर्स एक लेजेंड के बारे में है जो इस दुनिया में जिंदा था। यहाँ बहुत से विस्टम्स हैं स्टोरीज के बारे में और उनकी सच्चाई के बारे में। प्लीज़ ये मत भूलना अपनी तारीखी एमेटिक। चलो बाकी हम अगले हफ्ते फाइनल एग्ज़ाम में पढ़ेंगे। ओके, आज का लेसन ख़त्म हुआ। ओके, ये ईमा है शायद, ये हमारी फेलो है। ओके, हे अहमद, यू आर ऑल राइट? You were so absent in class. Did you have a bad dream? Rim से पूछी क्या मेरे को बुरा ख्वाब आया। Oh, I have a strange feeling the whole day. Oh, it wouldn't be anything. Maybe it will also be exam next week. That will keep me busy. Okay. The best thing is to do direct to father. He wanted to talk us after school. I will wait you. Go outside. अच्छा तो ओके, यहाँ एनिमेशन अच्छी हैं, बाहर जाना है ना हमने। ओके, वी शुड बी ऑन आवर वे टू द लैब। द लैब इज लोकेटेड इन सरुलियन कैरन सिटी नॉर्थ ईस्ट, बट यू शुड नो दैट फॉर योरसेल्फ। लेट्स गो। ओके नॉर्थ। अब गाइस सीधी सी बात है, मुझे नॉर्थ का नहीं पता इसलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। और ये कौन है? ओके, ये कोई सुंदर मुख्तरमा अपनी बटरफ्ली के साथ इधर भागने के एनिमेशन बड़े मज़े के हैं। ओके, इस तरह भी कुछ नहीं है। आई थिंक ये तो नॉर्थ नहीं होगा, नॉर्थ ऊपर तो नहीं है। नॉर्थ इसी साइड को नॉर्थ कहते हैं। हाँ, ये आ गई कैरन सिटी। ओके, यहाँ की लैब में हमने जाना है। ओह, हम लैब ही पहुँच गए, यहाँ आ गए हम, चलो अंदर चलते हैं। ओके, हाँ वो रहा विलियम। विलियम कौन है? हाँ अहमद, ईमा, तुम दोनों को काफ़ी देर बाद देखकर खुशी हो रही है। अच्छा, मुझे किस ऑनर के लिए यहाँ याद किया तुम लोगों ने? कैसे मिल लिया है मुझसे? पापा चाहते थे कि हम आप क्लास के बाद आपसे मिलने आए। अच्छा चलो, लगता है आज कोई बड़ा दिन है, तो फिर मैं तुम लोगों को रोकना नहीं चाहता। तुम लोग के पापा अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, तुम लोगों से बाद में मिलूँगा। ओके, बड़ा दिन? हाँ, क्या तुम्हें लगता है विलियम का मतलब वो होगा? चलो लैब के अंदर चलते हैं। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं लैब के अंदर। मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि पापा ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। चलो चलें। ओके पापा, हम यहाँ हैं। हाँ तो गाइस, इससे क्लियर हो गया कि ये हमारी
ओ भाई वो भाई भाई पापा तो फुल हमारे अर्तुगरुल टाइप के बंदे हैं। बड़े बड़े पापा ने बाल बियर्ड रखी है। अरिजीत सिंह से इंस्पायर्ड लग रहे हैं मुझे। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है, हमें सस्पेंस में ना रखें, बता दें। मुझे लगा था कि इतने टाइम में मैंने डिसाइड कर लिया था कि तुम्हें तुम्हारा पहला पोकेमोन दे दूं। क्या, ये तो बहुत अच्छी खबर है, थैंक यू। मैं खुश हूँ कि तुम नेसेसरी मैच्योरिटी तक पहुँच गए हो, मतलब तुम लोग मैच्योर हो गए हो। चलो मुझे फॉलो करो बच्चों। ओके तो हम जा रहे हैं अपने पापा के साथ। अहमद मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम्हारा पहला पोकेमोन। अहमद गो अहेड, मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, तुम जाओ पहले पोकेमोन चुन लो। ओके चलो जाओ एक ले लो। ओके तो गाइस हम लेगा पोकेमोन, तो हम कौन सा पोकेमोन लेगा? तो गाइस चले देखते हैं कि इसमें स्टार्टर्स कौन से हैं, न्यू स्टोरी तो पोकेमोन कौन से होंगे। ओके एक ट्रिको, ओके एक चार्मेंडर, ओके अब वाटर टाइप होना चाहिए। विश मी लक फ्रॉकी, यस। ओके गाइस तो मैं तो फ्रॉकी लेने वाला हूँ। ओके निकनेम की ऑप्शन ही आएगी क्या? ओके तो हमने अपना पहला स्टार्टर ले लिया फ्रॉकी। हाँ हमने फ्रॉकी को चुना है, ये तो बहुत अच्छी चॉइस है। क्या तुम इसे निकनेम दोगे? नहीं। ये मत जाओ, तुम्हारी बारी, एक पोकेमोन चुन लो। ओके मैं जा रही हूँ। अब जब तुम दोनों के पास कोई वाइल्ड पोकेमोन आए तो तुम उससे लड़ सकते हो। शायद तुम्हें पता ना हो बट तुम्हारे पास पीस ऑफ एमेटिक हिस्ट्री आ गई है। बैक होम इन एस्पायर के घर में विलियम और मैं ने डिसाइड किया था कि क्लाइंब करें, एक्सप्लोर करें माउंटेन्स को एक साथ। तुम हमें हिस्ट्री के इवेंट्स में रिकॉर्ड होते हुए देख पाओगी। मुझे नहीं पता लेकिन पूरी जगह पहाड़ों पर, बहुत जगह है पहाड़ों पर, लेकिन हम उसे ढूंढ लेंगे। पोकेमोन हमारी मदद करेंगे इस एडवेंचर पर। मुझे भी लगता है कि ट्रिप हेल्प होगा। आई थिंक क्या लिखा है, आई ऑल्सो थिंक दिस ट्रिप विल हेल्प यू। मुझे लगता है कि ट्रिप तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे एग्जाम की तैयारी में। मुझे लगता है तुम लोग खुश हो। हाँ बहुत खुश हैं। वेल चलो फिर चलते हैं, विलियम मोरा इंतजार कर रहा होगा हेस्पीरियर में। ऑल राइट चलो चले। नॉट सो रैश, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम खुद जाओ और खतरे का सामना करो रूट से खुद गुजरते हुए। वाइल्ड पोकेमोन आएंगे उनसे लड़ो, और वो लोगों को हमला करते हैं उनसे लड़ो और उनसे बचकर खुद मतलब वहाँ पहुँचो। ओके ओके फादर, मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमें अलाउ हो गया काउंटलेस टाइम क्योंकि हम कैरी सिटी भी खुद आए थे। तो मैं तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये कर पाऊंगी? ऑब्वियसली मेरी बहन जो तुम कर सकती हो। एग्जैक्टली तुम्हें मुझ पर यकीन है। चलो फिर एस्पायर में मिलते हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ओके अहमद मैं आगे जा रही हूँ। ओके तुम भी पहुँच जाना। ओके गाइस अब सारे चले गए तो हम भी चलते हैं हेस्पायर में, सारे हमारा इंतज़ार करें। बस ये नहीं पता कि हेस्पायर है किस साइड पे। आई थिंक इस साइड पे। ओ ओके इस साइड पे नहीं है, इन अंकल ने हमें रोक कर ये तो बता ही दिया। इस साइड पे, यहाँ पे भी रास्ता नहीं है। फिर इस साइड पे होना चाहिए हेस्पायर। ओके अहमद मैं पूरी तरह भूल चुकी हूँ। किसने कहा था इतनी जल्दी जा? पापा और विलियम हस्पायर में पहुँच गए होंगे मुझे यकीन है, लेकिन हमें भी चलना चाहिए। मैं उन्हें वहाँ ट्रेनिंग ट्रेनर फाइट देखना चाहती हूँ। मैं इसे इजी लेने लगी, चलो फिर फाइट करें। ओ क्या बात है, हमसे फाइट कर ली तुमने शुरू? ओके इसके पास से ट्री को ग्रास टाइप, और हमारा तो है ही वाटर टाइप।
लेकिन आगे जाके हमारा स्ट्रॉन्ग बहुत बनेगा ये फ्रॉक की। ओके अभी तक तो हम काफ़ी अच्छा, बस एक दो पाउंड और लग जाएँ तो इसको हम हरा दें, एक दो दो और लग जाएँ तो है चांस। ओके फ्रॉकी बिटवा तुम्हारे पास बैरी थी, अब तुम जीत जाएंगे इजीली। ओके हम जीत गए, लेवल 6 पे हो गया हमारा फ्रॉकी। ओके ओ ये तो बहुत अच्छी बैटल थी, थैंक्स अ लॉट। चलो अब रियल फाइट देखने चलते हैं, हो सकता है हमें पोके सेंटर भी मिल जाए अपने पोकेमोन हील्स करने के लिए। ओके पोकेमोन पहले हील करना है फिर जाना आगे, चलो अंदर चलें। ओके पोकेमोन पहले हील करते हैं फिर चलेंगे। ओके पोकेमोन हील हो गए हमारे पोकेमोन फिर से पहले जैसे ठीक हो गए हैं, चलो अब एस्पायर चलें। ओ मैं भूल गई, पोकेमोन ट्रेनर के लिए ये एक नया अपनी बिगनिंग होती है वर्ल्ड के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या तुम्हें पता है पोके सेंटर सिर्फ फीलिंग आइटम्स के लिए नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ओके तो ये हमें पोके मार्ट का बता रही है, मतलब यहाँ से हम चीज़ें वगैरह भी खरीद सकते हैं। ओके ओ हमें पोके बॉल दिए इस दुकान वाले ने, ओशन भी दिए, प्रीमियर बॉल भी दी, थैंक्स भैया तुम्हारी जर्नी के लिए, गुड लक। ओ बहुत शुक्रिया आपका। और क्या इधर? हाँ मैं जब मैं जानती हूँ तुमने पहले देखा होगा ये स्टोरेज ऐसी, यहाँ से तुम अपने पोकेमोन जो होते हैं ना एडिशनल पोकेमोन वो निकाल सकते हो जो 6 से ज़्यादा होते हैं। ओके फिर भाग गई हेस्पायर, हमें तो लेकर जाती, तो वाइज लगता है आप खुद ही जाना होगा, तो चलो चलें धूम मचा ले धूम मचा। ओ शिट पकड़े गए, आ जा बिटवा। ओ गाइस पीछे की एनिमेशन देखें, एनिमेशन काफ़ी अच्छी है इसकी, बबल बीम, ओ बबल्स बबल बीम के लिए, वो सुपर इफेक्टिव पाउंड। ओके इजीली हमने इसको हरा दिया। ओ दो पोकेमोन इसके पास, एक फायर टाइप लिट लियो। ओके ये भी हो गया फेंट, लेवल 7 पर हो गया हमारा फ्रॉकी। ओके ऊपर और इस लड़की से तो मैं बच जाऊंगा, बच गया अभी तक। यहाँ पे एक मैरिप जो मुझे नहीं चाहिए, टीम में अच्छा एडिशन। ओ शिट इसने भी मैं पकड़ लिया, कोई बात नहीं गाइस हम इसको भी बहुत बुरी तरह हराएंगे। इसके पास है 2 पोकेमोन, हम मारेंगे पाउंड। ओ शिट सुपर इफेक्टिव पाउंड, ओ और एक पोकेमोन इसका फेंट हो गया, दूसरा पोकेमोन इसका एक बबल पाउंड बनेरी बबल मीम से फेंट हो जाना चाहिए, ग्राउंड टाइप है सुपर इफेक्टिव जानता था मैं। फ्रॉकी हो गया है लेवल 8, क्विक अटैक आ गया है फ्रॉकी को। ओके 120 पोके डॉलर्स भी मिल गए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये किधर आ गए हम, बोर्ड पढ़ेंगे, बोर्ड बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ। ओके हेस्पायर आ गया है, थैंक यू बोर्ड, और हेस्पीरियर या हेस्पायर जो भी इस रीजन मतलब इस सिटी का नाम है, हम यहाँ आ चुके हैं। तो सबसे पहले पोकेमोन सेंटर घुसेंगे, पोकेमोन सील करेंगे। ओके नर्स जो है जल्दी से हमारे पोकेमोन सील कर दें, बस नर्स जो है आप हैं तो हम हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके अब हमें उनको ढूंढना है, तो आई थिंक सो इस घर में होने चाहिए, वो नहीं है तो किसी और का घर है, सॉरी। ऐसे गाइस वो इधर के लिखा है। ओके तो हेस्पायर पीयर या हेस्पायर जो भी है इसकी तफसील हो, काफ़ी अच्छे एनिमेशन है गाइस इसके तो। ओके यहाँ पर भी नहीं लगते, पता नहीं कहाँ चले गए मेरे पापा और मेरी बहना, गुम गए छे बिटवारे। टूरू इधर कहीं होंगे शायद, मुझे फील आ रही है। ओ ये रीजन तो काफ़ी बड़ा है। ओके तो इधर होनी चाहिए आई थिंक सो, नहीं फिर से नहीं फिर से नहीं, ये क्या हो रहा है, क्या तुम्हारा एक ही दोस्त है बार, क्या तुमने कभी उससे पूछा भी था? लेकिन मॉम हमें बस अभी मिला है, हमारे एग्जाम्स अगले हफ्ते हैं, क्या इससे बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है?
एमिटिक की हिस्ट्री लेसन्स के ऊपर। अहमद, क्या ये तुम हो? कि तुम भी पहाड़ की चोटी को, रिबीरा की पहाड़ की चोटी को चढ़ना चाहते हो और मुझे अभी तक इसके बारे में नहीं बताया। जी हाँ। यह थैंक्स टू अहमद, तुम एक ग्रेट मदद हो इस वक्त। मॉम कम ऑन, ट्रस्ट करें हम पर। अहमद तुम आगे बढ़ो, मुझे लगता है मैं कुछ देर में मॉम को मना लूँगी और फिर तुम्हें ज्वाइन कर लूँगी। ओके, लगता है भागना पड़ेगा, भागो। ओके, हम मॉम से तो बच गए, अब हमने पहाड़ की चोटी पर लगता है खुद ही जाना होगा, क्योंकि और तो कुछ समझ नहीं आ रही अभी तक इस गेम में। ऐसे ग्राफिक वाइज ये गेम काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मुझे लग रहा है मुझे इस तरफ जाना है। हाँ अहमद रुको, क्या हुआ बहना? मॉम मान गए, कभी कभी वो बहुत गुस्से में आ जाती हैं, लेकिन मैंने उन्हें मना लिया। लगता है पापा और विलियम अभी तक यहाँ नहीं आए। ओ वो रहे वो। ओके चलो चले। ओके तो विलियम, तुम्हारा क्या मतलब है अब? मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये ब्रिज तो पहाड़ तक पहुंचता था लेकिन ये इतना पुराना है कि ये कोलैप्स कर गया है। मुझे याद आया, हेस्पियर में एक सीक्रेट पाथ भी है वाटरफॉल के पीछे। जब मैं छोटा था मेरे दोस्त और मैं उधर हाइड एंड सीक खेलते थे और वो मुझे कभी पकड़ नहीं पाते थे। मुझे लगता है वो रास्ता अभी भी वहीं होगा। आइडिया तो अच्छा लगता है, बस अब हमें वो पाथ दोबारा ढूंढना होगा। ओ देखें, बच्चे यहाँ आ चुके हैं। हाँ तो तुम लोग यहाँ तक आ गए बहुत जल्दी। हेलो बच्चों, मुझे खुशी है कि तुम यहाँ तक पहुँच गए, मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर एक प्रॉब्लम आ चुकी है इस वक्त। हाँ डैड, हमने नोटिस किया, हमें ये ब्रिज क्रॉस करना था। जैसा कि तुमने सुना, यहाँ एक और रास्ता भी है। बिल्कुल, यहाँ एक और रास्ता भी है वाटरफॉल के पास, मुझे अभी तक याद है। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमें सीक्रेट पैसेज में जाना चाहिए। क्या मत तुम्हें समझ आई? ऑब्वियसली। तो चलो चलते हैं। इतनी जल्दी भी नहीं, हमें ये रास्ता इकट्ठे पार करना होगा, ये खतरनाक हो सकता है, और अभी तो तुम सिर्फ सीखने आए हो। मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन अब तुम इतने बड़े हो चुके हो कि हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अहमद हमें लीड करेगा ऊपर की तरफ। क्यों अहमद क्यों? वेल, कोई घबराने की बात नहीं ईमा, तुम्हें भी एनफ टाइम मिलेगा शाइन करने के लिए, लेकिन आज अहमद हमें लीड करेगा। बिसाइड हमें वी ऑल्सो वॉन्ट टू अराइव इंटैक्ट। ओके समझ नहीं आया क्या बोला आप? इधर उधर क्यों बड़बड़ा रहे हैं? आपका मतलब अहमद, क्या तुम नहीं कहोगे कुछ? मैं क्या कहूँ, मैं तो खुश हूँ। चलो चलते हैं। विलियम और मैं वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, तुम्हें पता है वहाँ तक कैसे जाना है? नहीं। डेयर वॉसर फॉल बेफिंट सिंच ग्लिन शिंगुइंग, ये क्या लिखा है? कोई और जुबान आगे लगता है। मैं इतने मज़े से पढ़ रहा था कि इंग्लिश लिखा है। चलो तो मैं वहाँ मिलते हैं। तो बेसिकली हमें बताना तो चाहते नहीं थे कि कहाँ है वाटरफॉल। अहमद चलो चलते हैं। चलो सारे भाग गए, मुझे फिर छोड़ गए पीछे मेरे खानदान वाले, मतलब कि खुद बस भागना है, बेटे की कोई परवाह नहीं कि बेटा बेशक पीछे रह जाए। ओके अब वाटरफॉल कहाँ है? अब बस मसला ये है कि मुझे वाटरफॉल का रास्ता नहीं आता।
वाओ है मुझ पर भी, एक तो रास्ता बताया नहीं ऊपर से जो, ओ ये रहा वाटरफॉल का रास्ता मुझे लग रहा है। हेस्पायर इज द लास्ट स्टॉप ऑफ माई हाइक ओवर एप्रिकल एंड नेक्स्ट आई विजिट। ओके ये तो अपनी कोई दास्तान सुनाने लग गया, और यहाँ तक मुझे लगता है ओ ये रहे मेरे घर वाले। ओके अब हमें बस इन तक पहुँचना है, जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होने वाला है। कोई रास्ता मुझे लग रहा है यहाँ पे रास्ता होगा। ओ एक पी जी क्यूट, ओ शिट फेंट हो गया तो शायद मैं इसको टीम में रख लेता। चलो छोड़ो गाइस इधर कहीं देखते हैं रास्ता हो शायद। ओके तो गाइस आज के एपिसोड काफ़ी मतलब मैंने लेंथ में लंबी बना ली है, तो जल्दी से बस पोकेमॉन हील करते हैं। और गाइस गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी लाइन बहुत अच्छा है इसका। तो गाइस अभी तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और आप वीडियो पर करा रहे हैं तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द पोकेमॉन शॉर्ट्स की एक नई एपिसोड में। पोकेमॉन रेडिकल रेड भी आएगी, पोकेमॉन शॉर्ट्स भी आएगी, एक दिन रेडिकल रेड आएगी, एक दिन शॉर्ट्स आएगी, इसी तरह हम दो सीरीज को इकट्ठे लेकर चलेंगे। और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।